दिल्ली पुलिस के धरने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बड़ा बयान दिया है। बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कल काला दिन था। दिल्ली पुलिस की अनियंत्रित भीड़, विरोध प्रदर्शनों और गालियों पर मीडिया रिपोर्टों को हमने देखा है। हमें ये राजनीति से प्रेरित कदम लग रहा था और ये बहुत दुखद है। इस बीच आज दिल्ली की कई अदालतों में प्रदर्शन चल रहा है। वकीलों के प्रदर्शन के बाद रोहिणी, साकेत और पटियाला हाउस कोर्ट में कामकाज करीब करीब ठप है। बार काउंसिल ने मांग की है कि दोषी पुलिस अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार किया जाए। हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बार इस वक्त अपने सदस्यों के साथ है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में काले कोट बनाम खाकी की लड़ाई पिछले 4 दिन से जारी है। शनिवार को 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच भिड़ंत हुई, तो मंगलवार को दिल्ली पुलिस के जवान इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतर आए। अब आज इस मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था। इसी बीच रोहिणी कोर्ट में एक बिल्डिंग पर वकील कूदने के लिए चढ़ गया था। उससे पहले एक वकील ने आत्मदाह की कोशिश की थी। पुलिस की बात मैं नहीं जानता। पुलिस जो आज कर रही है वो ड्रामा है, वो अपने स्किन सेविंग के लिए कर रही है। एक तो उन्होंने शनिवार को जाति की, शनिवार को उन्होंने लाठियां बरसाई, चैम्बर तोड़े और उससे भी शांति उनको नहीं मिली तो उन्होंने गोली चलाई सीने में। एक की उंगली कट गई, एक के पांव पे सीरियस चोट है और उस चीज को छिपाने के लिए आज ये कर रहे हैं। कल की जो घटना है, एक ये घटना साकेत कोर्ट की है, जो बाइकर पुलिस वाला था उसके साथ हुई है। उसके लिए मैंने नाम मांगा है, महिला के साथ जो हुआ उसका नाम मांगा है, कड़कड़ दुमा से नाम मांगा है और उस पर हम तुरंत सख्त कार्रवाई करेंगे।